शो की शुरुआत तीखे सवालों से। अगर कोई नेता है तो क्या वो कोर्ट की तरफ फैसला सुनाएगा? फैसला भी ऐसा कि किसी को सरेराह फांसी की बात करने लगे। अगर ऐसा हो तो आप भी शायद यही कहेंगे कि अरे ये क्या बोल गए नेताजी। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। स्वागत है आज तक के डिजिटल के स्पेशल शो क्या बोल गए नेताजी में। इस शो में हम उन नेताओं की खिंचाई करते हैं जो अपने बयानों से चर्चा बटोरते हैं या अपने बयान से वायरल हो जाते हैं, जिन पर बवाल मच जाता है। क्या बोल गए नेताजी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की। फिल्म द केरला स्टोरी पर सियासी घमासान ऐसे मोड़ पर भी पहुंचेगा, सोचा नहीं था। कुछ राज्यों ने फिल्म को टैक्स फ्री किया तो कुछ राज्यों ने फिल्म को बैन कर दिया। कुछ पार्टी के नेताओं ने विवादित बयान दिए, लेकिन शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने केरल को बदनाम करने वाली फिल्म को बताते हुए द केरला स्टोरी के निर्माता को फांसी देने तक की मांग कर दी। आइए आपको उनके मुंह से पहले उनका बयान सुनवा देते हैं। आपण म्हटलं की 32,000 बायकांनी धर्मांतरण केलं आणि काही आयएसआयएस मध्ये गेल्या, इथे गेल्या, तिथे गेल्या, तिथे गेल्या। आज त्याचा आकडा येतोय 3। हा जो कोण प्रोड्युसर आहे ज्यांनी हे काल्पनिक चित्र उभं केलं त्याला तर भरचौकात फाशी द्यायला पाहिजे। आणि जो कोणी याचा प्रोपोगंडा करताय त्यांना लाजही वाटत नाही। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मराठी में अपनी बात कही। हम आपको उनकी बात हिंदी में भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म के मुताबिक केरल से 32,000 महिलाएं लापता हुई और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गई, जबकि असलियत में ये आंकड़ा सिर्फ 3 महिलाओं का है। केरल फाइल के नाम पर एक राज्य को तो बदनाम किया ही, वहां की महिलाओं को भी बदनाम किया गया। जो कोई भी इस फिल्म का प्रोड्यूसर है जिसने काल्पनिक कहानी बताई उसे तो खुलेआम चौक पर फांसी दे देना चाहिए जो ऐसे प्रोपेगेंडा करता है। क्या उन्हें इस बात पर शर्म नहीं आती? अरे शर्म नहीं आती का सवाल पूछने वाले नेताजी, पहले आप बताइए कि किसी को फांसी पर लटकाने की बात करते हुए आपको शर्म आई? ऐसे में हम क्या हमारे दर्शक भी यही कहेंगे कि अरे क्या बोल गए नेताजी। वैसे आपको बता दें कि द केरला स्टोरी के निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। आज तक से बातचीत में दोनों ने यही कहा कि जितेंद्र आव्हाड का शायद वही अर्थ ना रहा हो, लेकिन अगर वो इस बारे में इतना ही स्ट्रॉन्गली फील करते हैं तो कोर्ट जाकर हमें फांसी की सजा के लिए अपील कर सकते हैं। बात कोर्ट की चली है तो एक अपडेट और दे दें। कुछ लोगों ने फिल्म को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। उससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भी फिल्म पर बैन लगाने से इनकार किया था। हाँ, केरल हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता को 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन वाले जो आंकड़े थे उसको हटाने का आदेश जरूर दिया था। फिल्म में इस आंकड़े वाली बात पर निर्देशक सुदीप्तो सेन ने भी अपनी आरटीआई की बात बताई थी। 32,000 ये नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, हमने फिल्म ने बताया जरूर कि 32,000 क्या, 32,000 से ज्यादा लड़की गायब हुई है। हमने ये नहीं बोला कि आईसीस पे चले गए, हमने बोला गायब हो गए, घर से चोर के चले गए। ये लड़कियां कहाँ है और कहाँ गया है, कब गया है, इसके लिए हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था। हमें बोला गया था केरल पुलिस ने उसकी जवाब देंगे। हम आज भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है वो ढूंढने के लिए, आज भी हम वेट कर रहे हैं। अगर आरटीआई है हमारे पास, अगर वो दे दे तो नंबर दे दूंगा। हमारी आंकड़ा क्या है और हमारी आंकड़े की सपोर्ट क्या है वो मुझे लगता है वो फिल्म देखने के बाद ही आप लोग जाने तो अच्छा है। जो भी हो, एक नेता को ये हक तो नहीं है कि वो नाराजगी में किसी व्यक्ति को सरेआम चौक पर लटकाने की बात करे। इस बीच जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एक व्यक्ति ने थाने पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस भी दर्ज करवाया है। अब चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जितेंद्र आव्हाड का पहले भी ऐसे ही विवादित बयान आते रहे। हाल ही में आव्हाड ने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे रामनवमी और हनुमान जयंती राज्य में दंगे कराने के लिए मनाए जाते हैं। ये और बात है, वो खुद को ट्विटर पर हिंदू बताते हैं और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ऐसा भी लिखते हैं। खैर, कैसा लगा आपको हमारा ये शो क्या बोल गए नेताजी? अगले एपिसोड में करेंगे फिर किसी नेता के बयान का पोस्टमार्टम। इसी के साथ आज तक के डिजिटल के सभी दर्शकों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, इस शो के बारे में कॉमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।